नोटिफिकेशंस ऑन। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये बाइक जो खड़ी है ना, यहाँ से आप जैसे ही नीचे को आओगे तो गंगा घाट आ गया। और पहले गंगा घाट इतना आगे हुआ करता था, जो आपको ऊपर सबसे आगे टापू सा दिख रहा है ना, तो वहाँ तक गंगा घाट था। अब बिल्कुल मार्केट तक आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि दोस्तों गंगा जी में अभी पिछले साल जो अभी कुछ दिन पहले जो बाढ़ आई थी ना, तो उसमें सारा कटाव हो गया, सारी मिट्टी बह गई और गंगा का जल स्तर पीछे को आ गया, मार्केट के नज़दीक ही आ गया। ये नया गंगा घाट बनाया है और पक्का बनाया है। एक तो हमारा यहाँ से सीधे हाथ पे थोड़ा सा आगे, मैं दिखाऊंगा आपको अभी, तो वहाँ पे है पक्का घाट जो कि पुराना है, जहाँ शमशान घाट भी बना हुआ है। एक ये उल्टे हाथ पे है जो सामने दिख रहा है ना दोस्तों, इधर की साइड में जो आगे को दिख रहा है वो पक्का घाट पहला वाला है। अभी ये नया गंगा घाट बनाया है श्री बांके बिहारी जी घाट के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो तीन पिलर दिख रहे हैं ना, ये इसलिए लगाए गए हैं कि ताकि अगर अगली बार कभी बाढ़ आती है तो ये मिट्टी का कटाव ना हो, बालू का कटाव ना हो और गंगा जी और ज़्यादा अंदर ना पहुँच जाएँ कहीं मार्केट तक। क्योंकि दोस्तों आगे घर हैं, यहाँ पहले आश्रम हुआ करता था, वो आश्रम भी आज दोस्तों इसी कटाव में बह गया। आश्रम का नाम और निशान भी नहीं रहा यहाँ पे, इसलिए दोस्तों ये पिलर से लगाए गए हैं जो ताकि कटाव ना हो। अब ये देखिए दोस्तों, इतना वो आगे दिखा ना आपको, तो वहाँ तक गंगा जी थी, ये आगे जो टापू सा दिख रहा है, और अब इतना पीछे आ गई, सारा का सारा गड्ढा सा हो गया। देखो वो वहाँ पे अपना प्रसाद प्रसाद वाले जो रहते हैं, वो उनकी अभी भी झोंपड़ी सी लगी हुई है उधर। तो दोस्तों यही था ये गंगा जी के, इनको लगाने का मतलब मकसद के अब कभी बाढ़ आती है तो कम से कम कटाव और पीछे तक ना जाए। आज तो दोस्त ना तो कोई पूर्णमासी है ना कोई मेला है, तो दोस्तों हम तो ऐसे ही नहाने आए थे और हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों आपका।